गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर जीके क्लास. स्टूडेंट, आई एम योर जीके टीचर. सो क्लास 3 एंड सब्जेक्ट जीके. स्टूडेंट, प्रीवियस चैप्टर में हमने नॉलेज पार्ट पेज नंबर 42 का कुछ डिस्क्रिप्शन पढ़ा था. ओके, तो आज हमारा पेज नंबर 43 है. पेज नंबर 43 में भी हमें नॉलेज पार्ट ही पढ़ना है, दैट इज क्लियर. तो नॉलेज पार्ट में बच्चों हमने कुछ तथ्य पढ़ा था, जैसे गोश्त, चिल्ली और चा और एक और पढ़ा था. ठीक है, आज हम उसका 3 पार्ट पढ़ेंगे. उसमें जो 3 डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसको हम पढ़ के और पहले समझते हैं. तो बच्चों, पहला है हमारा चिकन टिक्का मसाला, दैट इज क्लियर. बच्चों, चिकन टिक्का मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है आप लोगों को खाने में, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं. चिकन टिक्का मसाला, द डिश दैट मेड इंडियन फूड फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके, वाज एक्चुअली इन्वेंटेड इन स्कॉटलैंड, दैट इज क्लियर. तो बच्चों, यहाँ कह रहा है कि जो चिकन टिक्का मसाला है ये हमें खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और इंडिया का ये फेमस फूड है, दैट इज क्लियर. ये स्कॉटलैंड में पहले था, मतलब ये स्कॉटलैंड से यहाँ लाया गया है. स्कॉटलैंड के लोग सबसे पहले इसको, मतलब इसका इन्वेंशन किया और इसे बनाए, इसे खाए और उसके बाद ये इंडिया में आ गया. और जब ये इंडिया में आया तो इंडिया के लोग इसको फेमस फूड से जानने लगे, दैट इज क्लियर. तो ये चिकन टिक्का मसाला जो है ये स्कॉटलैंड से लाया गया है और हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से खाते हैं, ठीक है, दैट इज क्लियर. तो बच्चों, हमारा फर्स्ट नंबर था चिकन टिक्का मसाला. ओके, देन टू इज समोसा. बच्चों, समोसा आप लोगों को खाने में बहुत ही अच्छा लगता होगा और कोविड से पहले हमारे स्कूल में एक कैंटीन थी जहां की समोसा बनता था और हम खाते थे, दैट इज क्लियर. तो हम समोसा के बारे में पढ़ेंगे. समोसा वॉज कॉल्ड समोसा, ओके, समोसा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, समोसा और समोसा दोनों एक ही चीज है, ओके, इन द मिडिल ईस्ट. ओके, ये जो है ये मिडिल ईस्ट से लाया गया है. Much for 13th and 14th century when it come to India. 13वें और 14वें सेंचुरी में इसको लाया गया था, ठीक है, जो कि मिडिल ईस्ट से आया था, दैट इज क्लियर. और पहले समोसा का जो नाम था वो था संबोसा, मतलब 13वीं और 14वीं शताब्दी में हम समोसा को संबोसा के नाम से जानते थे. अब इससे एक क्वेश्चन है, समोसा जो है बच्चों ये आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें पूछ सकता है, जीके के क्वेश्चन में, रेलवे और बहुत सारे हैं, नेट के एग्जाम है, बहुत सारे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन एनालाइज कर सकता है कि 13वीं और 14वीं शताब्दी में समोसा का क्या नाम था, दैट इज क्लियर. मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ओके, और इसका क्वेश्चन बनाकर जब मैं दूंगी तो आप इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे कि मैम ने यही बात इंग्लिश में क्वेश्चन में दिया है और हिंदी में डिस्क्राइब कर दिया है, दैट इज क्लियर. तो हमारा 2 नंबर भी कंप्लीट होता है. देन थर्ड, ओके, वेस्ट बंगाल इज द हब ऑफ बंदेल चीज. बच्चों, बंदेल चीज के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना, चीज. Then production, it is an Indian variety of cheese which is said to have been inspired by the Portuguese. Okay, देखिए ये जो चीज है ये वेस्ट बंगाल का है, ठीक है, ये सबसे पहले वेस्ट बंगाल में था और अब तो यहां भी है और इसके बहुत सारे वेराइटीज हैं, ठीक है. आप जब पिज्जा खाते हैं तो पिज्जा में भी चीज होता है, ऐसे बहुत सारे डिशेज हैं जिसमें कि चीज का उपयोग किया जाता है. तो बच्चों,
बच्चों ये तीन था जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा और आपको समझा दिया। अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप यहाँ चिकन टिक्का मसाला लिख कर, ठीक है, और यहाँ एरो देंगे और इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख देना है, ठीक है, ताकि हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था, चिकन टिक्का मसाला के बारे में हमने क्या पढ़ा था वो आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा समोसा, समोसा के सामने एरो देकर आपको समोसा के बारे में लिख देना है, दैट इज क्लियर। थर्ड चीज के बारे में, है ना, तो चीज के बारे में भी आपको ऐसे ही लिख देना है और उसको अच्छी तरीके से लर्न करना है। शाम को जब आप व्हाट्सएप पे जब आपका जाएगा क्वेश्चन आंसर, तो आप उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगर क्वेश्चन आंसर नहीं दिया और मैं बोर्ड पे ही लिखवाई हूँ, तो वो बोर्ड की चीजों को भी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और जब 7 से 8 ग्रुप खुलेगी तो आपको उसमें सेंड कर देना है, दैट इज क्लियर। इस वीडियो को अच्छे से देखें, एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार 3 बार देखें और अच्छे से चीजों को समझें। हर वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपका एग्जाम होना है फाइनल और कोविड की वजह से आपको इस ऑनलाइन क्लासेस का सामना तो करना ही है, ओके, बच्चे ही नहीं टीचर्स को भी करना है, दैट इज क्लियर। तो इसको लिंक कर और शाम को सेंड करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।